राहुल गांधी जी ने सावरकर की पोल खोली कि सावरकर ने जेल से छूटने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी, वो एक सच्चाई है, दस्तावेजी प्रमाण है। लेकिन उनके इस बयान के बाद टॉप टू बॉटम जितना बीजेपी का लीडरशिप है, जिस तरह से तिलमिलाहट में बयान दिया है राहुल जी के खिलाफ, अमर्यादित बयान दिए गए हैं, और ये बिहार वाले सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, जिनका काम ही सिर्फ उठपटांग बयान देना, अशोभनीय बयान देना, कहा कि राहुल गांधी अपना सरनेम चेंज कर लें। अरे राहुल गांधी जी जन्मजात गांधी हैं, उनके सरनेम में गांधी उनके माता पिता ने रखा है। सुशील मोदी और गिरिराज सिंह जैसे वो नहीं हैं जो अपना नाम बदलते रहते हैं, कभी सांडली हो जाते हैं, कभी चौकीदार लिख लेते हैं, फिर कुछ और लिखते हैं। यह बीजेपी नेताओं की परंपरा है कि माता पिता के द्वारा दिए हुए सरनेम को बदल लेना, नाम को बदल लेना। लेकिन इस तरह का बयान क्या शो करता है? यह साबित करता है कि सुशील मोदी हो या गिरिराज, दोनों पाखंडी लोग हैं। और इनकी तुलना तो मैं अपेंडिक्स से करता हूं। अपेंडिक्स शरीर का एक ऐसा अंग है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं। बिहार की राजनीति में ये दोनों अपेंडिक्स के समान है। सिर्फ बयान देना, उठपटांग बयान देना, मीडिया में जगह बनाना इनका काम है। तो सरनेम बदलने का इतना ही शौक है सुशील मोदी जी को या गिरिराज सिंह को, तो अपने नाम में गोडसे रख लें, क्योंकि वो गोडसेवादी ही तो हैं। या जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तो बेटर है कि वो अपने नाम में बेहतर होगा उन्हें कि वो रंगा बिल्ला जोर लें। तो ऐसे लोगों के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दे जो माता पिता के दिए हुए सरनेम को बदल ले, जो दूसरे को चुनौती देते रहते हैं। अरे राहुल गांधी को चुनौती देने की हैसियत सुशील मोदी में है क्या? गिरिराज सिंह जैसे लोगों में है क्या? आज तक तो बिहार में नीतीश कुमार जी को चुनौती दे नहीं पाए ये लोग, चले हैं राहुल गांधी जी को चुनौती देने। तो मैं समझता हूं गिरिराज सिंह या सुशील मोदी जैसे नेता सिर्फ उठपटांग बयानबाजी करने के बजाय अपने अपने विभागों पर ध्यान दें। जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसमें क्या कर रहे हैं वो बताएं बिहार को। सिर्फ बयान देना और बयान देना वो भी अशोभनीय। तो राहुल गांधी जी ने तो सच्चाई का पक्ष रखा और सावरकर को एक्सपोज किया कि सावरकर ने माफी मांगी अंग्रेजों से जेल से छूटने के लिए। इस पर इतनी तिलमिलाहट बीजेपी को अगर हो रही है तो बीजेपी के नेता लोग बर्नोल का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बर्नोल से आराम नहीं मिलता हो तो सुशील मोदी अपने नाम में गोडसे जोड़ लें, मैं चुनौती देता हूं। गिरिराज सिंह अपने नाम बदलते रहते हैं बार बार, वो गोडसे जोड़ लें, वो अपने आप को बहुत अपराधियों के संरक्षक हैं ये लोग। इनके राज्यों में जहां जहां इनका शासन है आप देखिए बलात्कार की घटनाएं, नारी उत्पीड़न की घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो रंगा बिल्ला जोड़ लें अपने नाम में। वस्तुतः ये दोनों मानव शरीर में जिस तरह से अपेंडिक्स का कोई उपयोग नहीं है, लोग काट के बाहर कर देते हैं, बिहार की राजनीति में इन दोनों की भी वही स्थिति है। ये पॉलिटिकल अपेंडिक्स हैं, इनकी कोई आवश्यकता बिहार में नहीं है। सिर्फ अनाप शनाप बयानबाजी करना इनकी फितरत है। मैं इन दोनों के द्वारा राहुल गांधी जी के प्रति दिए गए टिप्पणी की भर्त्सना करता हूं और इन्हें एक तरह से आगाह करता हूं कि उठपटांग बयान देने की अपनी आदत को छोड़ें। राजनीति में क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है।